बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से अफगान तालिबान की हकूमत आई है तब से लेकर अब तक किसी ने उनकी हकूमत को तस्लीम करने के लिए कोई भी पॉजिटिव जेस्चर नहीं दिया, और स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज बिल्कुल परेशान है कि वहाँ पर इस्लामिक निज़ाम आ गया है तो फिर हमारी सूरत हाल क्या होगी। अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस इदारों को हालिया कुछ रिपोर्ट मौसूल हुई है कि इंडिया अमरीका अफगान ताजिक बॉर्डर के ऊपर हालात ख़राब कर सकता है। इसमें ख़ास तौर पर ताजिकस्तान की हकूमत पूरी तरह तैयार है। अफगान तालिबान ने ताजिक बॉर्डर के ऊपर इस वक्त अपनी फ़ौज तैनात करना शुरू कर दी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इन फौजों को डिप्लॉय कर दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने स्पेशल कमांडोज बदरी यूनिट्स को भी खास एरियाज के अंदर तैनात कर दिया है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अफगान तालिबान ने अब क्लियरली ताजिकिस्तान की हुकूमत को कहा है कि अगर तुम लोगों ने कोई भी हमारे मुल्क के अंदर ज़रा सी भी दहशत गर्दी करवाने की कोशिश की या मामला ख़राब करने की कोशिश की तो फिर हमारे रिएक्शन के लिए तैयार रहना, क्योंकि अहमद शाह मसूद और अमरुल्ला सालेह समेत जितने दहशतगर्द हैं उनको इस वक्त ताजिकिस्तान ने पनाह दिया। आप जानते हैं कि अमरुल्ला सालेह और ये तमाम लोग ताजिक हैं, अहमद शाह मसूद ताजिक है, और यहाँ पर किसी हद तक ईरान का भी असर और रसूख है, लेकिन मेन मुल्क जो इनको सपोर्ट करता है वो है रशिया। रशिया ने हालिया जानते हैं कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर वो अपनी फौजें भी लेकर आ गए थे, और इनकी फौजें आने के बाद उन्होंने यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स किए, मिलिट्री चीज़ें की। ये तमाम की तमाम सूरत हाल में असल में ये तब हो रहा था कि जब ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान ने फतह किया और उसके बाद मामला यहाँ तक पहुँचे। अब सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि देखिए, हम तसादुम नहीं चाहते और ना हम इसमें पहल करेंगे। हम चाहते हैं कि मामला तय हो, लेकिन अगर कोई हालात इस तरह ख़राब करने की कोशिश करेगा तो फिर हमारे रिएक्शन का पूरी तरह जवाब दिया जाएगा। आज अफगानिस्तान में आप आकर देख लें, नर रिश्वत है, वजीर आपसे मिलते हैं, यहाँ पर टॉप लेवल के लोग आपके साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, कहीं फायरिंग की आवाज़ नहीं है, एक शख्स और उसका बच्चा अगवा होता है तो 3 घंटे के अंदर अंदर हम उसको पकड़ लेते हैं। इससे बढ़कर हम और क्या कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अगर बाहर से दाइश और ये वो तमाम चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है। असल में तालिबान की हकूमत को तस्लीम नहीं किया, अभी असल में इस्लामिक निज़ाम राइज नहीं है वहाँ पर, ये चीज़ समझ लें। मिसाल के तौर पर अभी लोगों के हालात ख़राब हैं और वो चोरियाँ भी शायद करें, या बहुत सारे मामलों में किसी का अगर परेशानी है, जॉब चली गई है या कुछ है, तो वो जाहिर सी बात है अगर कोई आकर चोरी करेगा तो उसको तो आप इस वक्त सज़ा नहीं दे सकते। इसलिए अभी उन्होंने काम ये किया है कि एक अबूरी हुकूमत है, ये टेम्परेरी है, इसके बाद एक परमानेंट हुकूमत आएगी और फिर वो सिलसिला नीचे तक चलेगा और फिर उसमें इस्लामिक सज़ाएं नाफिज की जाएंगी। इससे पहले वो चाह रहे हैं कि चाइना यहाँ पर आए, आकर अपने पैसा लगाए, जो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया, इकॉनमी बेहतर हो, इसमें कम अज़ कम उनको अभी 2-3 साल चाहिए पूरी तरह अपनी स्ट्रॉन्ग हुकूमत कायम करने के लिए, लेकिन वो तेज़ी से ये काम करें, क्योंकि इस्लामिक बरकत ये होती है कि आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। यानी अफगानिस्तान में इस वक्त आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कराची से ज़्यादा इस वक्त अफगानिस्तान सेफ है डिफरेंट एरिया से, क्योंकि वहाँ पर इस्लामिक निज़ाम कायम है। इंडिया असल में कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह ताजिकिस्तान या किसी दूसरे ममालिक से कोई काम इस तरह का कर दिया जाए जिससे अफगानिस्तान का अमन ख़राब हो। अब अफगान तालिबान जो इस वक्त फौजें वहाँ पर लेकर आए हैं, उनका मेन मकसद है कि अगर ताजिकिस्तान से कोई दहशतगर्द यहाँ पर भेजे जाते हैं और यहाँ पर वो हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो हमारी फोर्सेस उनका भरपूर जवाब दे। तालिबान ने काम ये किया है कि बगराम जेल से लेकर दूसरी जगह पर जो कैदी थे उनको बड़े ओहदे दिए, क्योंकि सारे जंगजू थे, उन लोगों ने देखी हैं तकलीफ़ें। जब उन लोगों ने इतनी तकलीफ़ें देखी, यानी मिसाल के तौर पर वहाँ पर किसी को $3,000, किसी को $5,000, निचले लेवल पर अमले ने कहा कि आप हमें पैसे दें, हम आपको आज़ाद कर देते हैं, जो अफगानी थे, NDS और इन सब के रिश्वतखोर लोग थे, तो उन लोगों ने वहाँ पर किसी के पास पैसे तो थे नहीं, उन लोगों ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अब उनको जब डिप्लॉय किया है इस मकसद के लिए किया है कि आपने अब जान दे देनी है लेकिन अफगानिस्तान की हिफाजत करनी है।
अब जानते हैं कि रशिया इस वक्त ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर जो अपनी फोर्सेस उसने डिप्लॉय करके हज़ारों लाखों की हिसाब से जो चीज़ें रखी हैं वो क्यों रखी हैं, वो सिर्फ इसलिए रखी हुई हैं कि वहाँ से कोई मामला ना हो। लेकिन रशिया कोई गलती नहीं करेगा तालिबान से लड़ाई करने की। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि रशिया को पुराने जख्म अपने आज भी हरे होते नज़र आ रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि इनके साथ एक दफ़ा भिड़ गए तो उसके बाद बचना नामुमकिन है। हिजबुल्लाह मुजाहिद ने हालिया जो इवन के इंडिया को भी अब टैकल करना शुरू किया, उन्होंने क्लियरली ये बात की है कि कश्मीर के मामले पर उनसे जब पूछा गया कि असम में जो हुआ है मुसलमानों के साथ, आप देखें कि वो सूरत हाल इतनी खतरनाक है, उन्होंने कहा कि एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा, अब खाली कश्मीर की बात नहीं है, ना हम मुसलमानों की बात करें, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है अब हम उनके लिए जदोजहद करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, डिप्लोमेटिक चैनल से भी और जहाँ तक जा सकते हैं। ये जो जदोजहद का उन्होंने वर्ड यूज़ किया है ये असल में बड़े इसके दूर तक नताइज आपको नज़र आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने लड़ना, उन्होंने बड़ा केयरफुली वर्ड यूज़ किया है जदोजहद। जदोजहद में देखिए कोशिश होती है, आप हर सतह से, आप लड़ाई के लिए भी कोशिश करते हैं, आप हर तरह से बात मनवाने की। अब वो ये चाह रहे हैं कि वो एक दफ़ा पूरी तरह सेट हो जाए, उसके बाद जब उनकी हुकूमत आए तो वो दुनिया भर के अंदर कश्मीर का मामला उठाएँ और उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, और उसमें फिर असल में बहुत सारे चेहरे जो बेनकाब हो जाएंगे। अब पाकिस्तान ओआईसी में किसी को खड़ा करता है और जाकर कहता है कि जी आप आओ कश्मीर के मामले के ऊपर, अब वो मालिक अरब वर्ल्ड या ये वो तो ऑलरेडी इंडिया और इसराइल के साथ है, वो तो नहीं आने वाले। लेकिन जब तालिबान ये बात कहेंगे तो वो बताएंगे कि उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान मुनाफिक हैं। ऑलरेडी अफगान तालिबान के एक रहनुमा ने कहा है कि जो ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के लिए मरे जा रहे हैं उनको अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए बड़े मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन इसराइल को तस्लीम करने के लिए वो विलिंग है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा ऐसा दुनिया को बताना शुरू कर दिया। अब ये बात तैयब उर्दगान नहीं कह सकते, ना ये बात इमरान खान कह सकते हैं। अब वो जाहिर सी बात है, हम क्या अरब वर्ल्ड को कहेंगे, वो कहेंगे ठीक है हम तुम्हारे वर्कर्स निकाल रहे हैं, पैसे हमारे वापस करो, ये वो आप नहीं बोल सकते। अफगान तालिबान ने किसी का नहीं लेना देना, उनके पैसे अमरीकी बैंकों में नहीं पड़े हुए, उनका कोई भी लीडर बाहर नहीं बैठा हुआ, लिहाजा वो खुलकर बोल सकते हैं। यही चीज होती है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो दुनिया भर के अंदर आवाज बनेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने काम ये शुरू किया कि अफगानिस्तान की प्रोटेक्शन करें। अब ये फोर्सेस जो उन्होंने तैनात करना शुरू की है, असल में आहिस्ता आहिस्ता उनसे दुनिया भर के ममालिक कहेंगे कि आप हमारी फोर्सेस के साथ ज्वाइन करें, उनको ट्रेनिंग दें, ये करें वो करें। सो पाकिस्तान पूरी तरह अब इस सिचुएशन को जो देख रहा है उस पर पाकिस्तान की भी पूरी तरह नज़र है कि हमने किस तरह मामलात को लेकर चलना है, अफगान तालिबान के साथ अब अगले स्टेप पर क्या करना है। लेकिन अफगान तालिबान पूरी तरह चीज़ों को सिक्योर करें, एक तो अफगानिस्तान का बॉर्डर सिक्योर करें, दूसरी जानब डिप्लोमेटिक लेवल पर आवाज़ उठा रहे हैं। एक तो उनकी फोर्सेस पूरी तरह दुनिया को साबित कर रही हैं कि हम अफगानिस्तान में अमन कायम कर दी है, इसके बाद जब ऐसे ऐसे दुनिया इनको तस्लीम करना शुरू करेगी तो ये फिर अगले लेवल पर जाएंगे। वहाँ पर जाकर जब पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ को ये चाहते हैं कि एक मिलिट्री इतिहाद बन जाए जिनकी क़यादत ये करना चाहते हैं, उसके बाद जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो ये अपनी फोर्सेस वहाँ पर रवाना करें और उसके बाद उनको जुल्म से निजात हासिल करें। यही वो चीज़ है जो दुनिया भर की ताकतों को इस वक्त हजम नहीं हो रही, खटक रही है, और पाकिस्तान ने यहीं से आगे निकलना है। क्योंकि अगर हमने इनके साथ हाथ मिला लिए तो फिर याद रखिएगा विक्ट्री हमारी इस वक्त राह देखेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।